फ्रेंड्स, ये फिलिप्स का DSP 2800 मॉडल है ये वाला, और इसमें हम अभी ब्लूटूथ सर्किट फिट करने वाले हैं। और ये इसका रिमोट है ये वाला, तो रिमोट से हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ये लाइट ब्लू होगा, और इसमें कोई स्विच नहीं है, ये सिर्फ रिमोट से ही काम करेगा। तो ये स्विच नहीं है तो इसका अगर कुछ ओपन होने वाला नहीं है, इसका सिर्फ पीछे से ही इतना ओपन होगा, और ओपन होगा तो थोड़ा इतना ही बाहर आएगा ये वाला, ऐसे ही इस तरह से बाहर निकलेगा। और इधर इस तरह से इसका इनपुट और आउटपुट दिया गया है, और ये 5.1 सिस्टम है। आज ब्लूटूथ सर्किट फिट करना है, इसके लिए मैंने ये वाला सर्किट लिया है, ये वाला सर्किट इस तरह से है। ये आउटपुट और इनपुट, ये VCC लिखा हुआ है ये वाला, और ये ग्राउंड, और बीच में ग्राउंड और लेफ्ट और राइट ऑडियो, ये ऑडियो के तीन पॉइंट है जो आउटपुट देने हैं। और ये वाले जो दो पॉइंट है, इसमें प्लस जो VCC लिखा है उसमें प्लस वोल्टेज आएगा, और इसमें ग्राउंड देना है। इस तरह से इस तरह का ये ब्लूटूथ सर्किट है। इसमें आप देख सकते हैं ये उंगली के जितना है, आप देखिए उंगली के जितना है, ये हम छोटा सा कहीं भी इसमें इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं। इसका स्क्रू है वो सब निकाल देते हैं। इसके सारे स्क्रू मैंने निकाल दिए। इसके अंदर इस तरह का बोर्ड है, इस तरह का, और हमारा जो ये है इनपुट वाला, तो हम इसको यहाँ जो इसके लेफ्ट राइट है, यहाँ की जो इसके लेफ्ट राइट है, यहाँ कनेक्शन करने वाले इसके लेफ्ट राइट ऑडियो को, ठीक है। और यहाँ ये जो ऑडियो है, वैसे तो ये स्विच मोड वाला पिन है, सॉकेट जो स्टीरियो पिन का आता है, लेकिन इसमें सब कट करना पड़ेगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको इधर 5 वोल्ट का IC होगा पावर सप्लाई का, तो नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा 5 वोल्ट का। ये रहा ये वाला जो है, ये 7805 नंबर का है जो IC, इधर से 5 वोल्ट होते हैं, तो हमें इसमें से 5 वोल्ट से एक कनेक्शन 5 वोल्ट का हमें ले लेना है, और इसमें देना है, वो कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कैपेसिटर जोड़ के ही हम इसको लेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये अगर थोड़ा पावर ज़्यादा खींचेगा तो इसमें पावर कम पड़ेगा, तो उसके उस टाइम ब्लूटूथ कनेक्शन छोड़ देगा। तो हमें थोड़ा इसमें कैपेसिटर एक लगाना है छोटा सा, और यहाँ इसका आउटपुट दे देना है। और आउटपुट देने में क्या है कि हम ये भी चलाएंगे, और जो ऑडियो इन वाला पिन है वो साथ में नहीं चला सकते, तो उसके लिए एक स्विच रखना पड़ेगा। और लेकिन स्विच रखते हैं तो उसको 3 पिन ऑन ऑफ रखनी पड़ेगी, लेकिन मेरे जो कस्टमर है उसको मैंने बोल दिया है किसी भी एक को चलाना है, दोनों साथ में नहीं चलाना है, तो मैं इसको स्विच नहीं रखने वाला। क्या स्विच क्या है कि जल्दी बिगड़ जाता है ऑन ऑफ करने के टाइम, तो हम स्विच नहीं रखेंगे, उसको संभाल के चलाना है कि कोई भी एक चीज़ चलाए, या तो ब्लूटूथ चलाए या ऑडियो इनपुट करे इसका, तो हम इसको इधर कनेक्शन कर देंगे आज, ठीक है। तो हम अभी शुरुआत करते हैं। इसका पहले हमें आउटपुट जो लेना है वो कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये पावर सप्लाई इधर दिया गया है, तो इसका 5 वोल्ट हमें ढूंढना है। इसको 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। ये जो कनेक्शन है, ये हमें इधर से 5 वोल्ट लेना है, या 7805 का लगा हुआ है एक रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7805 वाला ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा है 7805। अगर ये नहीं है तो हमारा जो ये ट्रांसफार्मर में जो इनपुट आता है, या ब्रिज, ये डायोड के ब्रिज के बाद में हमें उसको
12 वोल्ट में लगाना है। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, इस साइड 12 वोल्ट है और ये साइड 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये वोल्टेज को हमें लेना है। तो इसके पहले पावर कनेक्शन कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो एक बार एलईडी का प्रोजेक्ट किया था, उस समय सारी एलईडी का मैंने जो पैर सब काट के रखा था, इधर ज़्यादा लंबा होता है तो वो पैर हमने काट के रखा था। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे ताकि वायर जोड़ने में आसानी रहे। मैं इस तरह से इसको जोड़ने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। ये जोड़ दिया गया, इसको पीछे भी मैं जोड़ देता हूँ उसको। ओके, इसी तरह से इसमें फिटिंग हो गया। अब ऐसा दूसरा मैं लेग लेता हूँ उसका, उसमें ग्राउंड, ये वाला जो ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड और ये बीच वाला ग्राउंड, दोनों से एक ही है सेम। तो ग्राउंड दोनों के लिए सेम रहेगा और बाकी सब सिर्फ लेफ्ट राइट ऑडियो ही लेना है। इसका कनेक्शन हो गया और दोनों आपस में, कोई सोल्डर बीच में नहीं रह गया, वो भी देखना रहेगा इसमें। चलो अब इसका लेफ्ट राइट का भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। लेफ्ट राइट के लिए दो मुझे वायर ही लेने पड़ेंगे। ये लेफ्ट राइट का कनेक्शन हो गया, बीच में जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड और ये दोनों एक साथ में है। ये आप अगर इधर से देखेंगे तो एक साथ में है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ इसका ये लगा देना है इस तरह से सीधा, और इधर लेफ्ट राइट इधर हमें लगाना है। तो VCC वाला पॉइंट इधर डालना है, इसलिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे। इस तरह से इसका पावर सप्लाई हो गया है, मैंने इधर इधर डायरेक्ट इधर इसको लगा दिया है। अब इसका आउटपुट हमें इस, मतलब इधर से आउटपुट और इधर एम्पलीफायर में इनपुट देना है। तो ये लेफ्ट राइट ऑडियो का जो ये है, ये लेफ्ट और राइट है, ये हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। हम ये इसको अभी इधर कैपेसिटर देखते हैं लगा हुआ है कि नहीं, नहीं तो इसको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा आउटपुट में। कैपेसिटर लगा हुआ है, ले कोई टेंशन नहीं इसके लिए, कैपेसिटर लगा हुआ है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ में 3.0 BT ये वाला जो है, ये हमें अभी शो कर रहा है। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, ये डिसकनेक्शन हो गया। और अब मैं इसको कनेक्ट करने के बाद, ये कनेक्शन हो गया, अब हम इसमें म्यूजिक सुनते हैं। ये म्यूजिक बजने लगा हमारा, आप देख सकते हैं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। ये अपना ब्लूटूथ कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ब्लूटूथ कनेक्शन इस मॉडल में करना है।
हर एक मॉडल में इसका जो आउटपुट और इनपुट अलग रहता है, तो इस मॉडल में मैंने आपको दिखाया इस तरह से मैंने कनेक्शन कर लिया। अब इसको कुछ नहीं करना और सिर्फ अब इसको ऑफ बंद कर देना है इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आपको और भी ऐसे आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए बाय बाय, मिलते अगले वीडियो में।